इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल। बघेल साहब, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार नीट पर चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहती, राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया। सरकार का कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नीट के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने दोनों सपनों को साथ देश और छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि इसमें सीबीआई की जांच हो रही है। दनादन जैसे हम टीवी खोलते हैं कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है और शीघ्र ही परीक्षा की भी तिथि आ जाएगी और बच्चों को न्याय मिलेगा। दूसरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी वो अपनी बात कह सकते हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के सिलेबस पर ही चर्चा हो। लोग उससे क्रीज से बाहर चल के भी बोलते हैं और अपनी बात कहते हैं। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, परीक्षा को दोबारा क्यों नहीं करवाया जाता? अगर इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, सबूत हैं शुरुआती तौर पर, तो दोबारा परीक्षा करवा दी जाए। देश की एक बड़ी परीक्षा है और काफ़ी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदनशीलता का परिचय दिया, शीघ्र ही बच्चों को न्याय मिलेगा। सर, बच्चों को न्याय मिलेगा, विपक्ष चाहे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी ये मुद्दा उठा सकता है। सरकार लगातार यही कह रही है कि बच्चों के साथ में किसी भी सूरत में नहीं होगा न्याय, कहना है केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल का। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़।